देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबैक बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में यहां नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआ में भी ध्वजारोहण के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा और सामान्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह के अलावा दुग्ध संघ का संपूर्ण स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सर्वप्रथम क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में डेयरी ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और 1,25,000 लीटर से अधिक का दूध विक्रय किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी जन्माष्टमी के मौके पर 1,30,000 लीटर दूध विक्रय किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हासिल करने के लिए समस्त कर्मचारी एवं श्रमिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा 65 करोड़ की लागत से जल्द ही दुग्ध संघ में ऑटोमेटिक प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए वह भारत सरकार एवं राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का धन्यवाद प्रेषित किया है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घोषणा करते हुए कहा है कि अब से कामगारों को 1,000 रुपए बढ़ोतरी के तौर पर दिए जाएंगे। उनकी इस घोषणा से सभी कामगारों में खुशी का माहौल है। उन्होंने उन सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देख रहे हैं लालकुआ से जफर अंसारी की रिपोर्ट। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। सभी जितने भी कर्मचारी हैं और इसी अमृत महोत्सव पे हमारे सम्मान्य प्रबंध कमेटी से भी बात हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनका वेतन भी वृद्धि किया जाए, जिससे उनका मॉरल बूस्ट हो और जो हमारा 1,25,000 लीटर पर डे बेचने का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। और समिति ये जो हमारा दुग्ध संघ है इसके रिनोवेशन के लिए भी अपने के साथ बैठ के ये कोशिश करूँगा कि बिल्कुल मॉडर्न डेयरी स्थापित हो, जिससे हमारे उत्पादकों को भी उसका आर्थिक लाभ मिले और हमारे कर्मचारियों को भी फायदा हो और एक अच्छे क्वालिटी का दूध और दूध का जो प्रोडक्ट है वो हम बाज़ार में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा सकें। तो इसमें 1,000 रुपये की भी ये 1,000 रुपये की अभी तो सांकेतिक और तत्कालिक बढ़ोतरी है। इसको जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया इसको मिनिमम 18,000 रुपये तक करेंगे और उसका जो भी वित्तीय सामंजस्य होगा उसको कोशिश करूँगा कि अपने खर्चे में कटौती करके या कहीं अन्य खर्चे का जो हमारा व्यय है उसका स्रोत डेवलप करके और उनकी ये जो मिनिमम 18,000 रुपये हैं उसको पूरा करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे कामगार मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से और महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए हमने 1,000 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया, क्योंकि नियमित कर्मचारियों का तो महंगाई के हिसाब से भत्ता बढ़ता है लेकिन उनका कोई वेतन नहीं बढ़ता, इसलिए हमने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर उनको एक तोहफे के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि नीचे के स्तर के व्यक्ति को ऊपर उठाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उस संकल्प को दोहराते हुए हमने आज यह निर्णय लिया है और इसकी घोषणा मैंने की है और मैं माह अगस्त से इसको लागू करूंगा, ऐसा मेरा प्रयास है। बात कही वो इसलिए भी जरूरी है कि लगातार हमारे जहाँ नियमित कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं वहीं इन कामगारों के भरोसे से हमने विपणन क्षेत्र में एक आयाम स्थापित करा। हमने 1,25,000 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दूध बिक्री का लक्ष्य रखा है और जिसको हमने पिछले रक्षाबंधन में 1,25,000 तक हम पहुंचे भी हैं और आने वाले जो 15 अगस्त 2023 होगा तब तक हमारा लक्ष्य है कि हम अपने नैनीताल दुग्ध संघ की प्रतिदिन की सेल 1,25,000 तक ले जाएंगे। उसके लिए मैं, मेरे सामान्य प्रबंधक और प्रबंधक कमेटी और हमारे अधिकारी कर्मचारी कृत संकल्पित हैं कि हम संस्था को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करेंगे।